मारवाड़ी मिलिट्री आप देख रहे हैं। आज है 15 नवंबर 2024 शुक्रवार का दिन, हिंदू तिथि कार्तिक माह की पूर्णिमा है। नजर डालेंगे आज की बड़ी खबरों पर, शुरुआत करेंगे देश की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, अक्टूबर महीने में थोक महंगाई भी बढ़कर 2.36% पर पहुंच गई है। इससे पहले सितंबर महीने में थोक महंगाई 1.84% पर थी। सब्जियों और खाने पीने की चीजों के दाम बढ़ने से महंगाई बढ़ी है। आंकड़ों की बात की जाए तो रोजाना की जरूरत वाले सामानों की महंगाई दर 6.59% से बढ़कर 8.9% हो गई है। खाने पीने की चीजों की महंगाई 9.47 से बढ़कर 11.59 हो गई है। इससे पहले रिटेल महंगाई के आंकड़े आए थे और अब थोक महंगाई के भी आंकड़े आ गए हैं। आगे बढ़ते हैं देश की एक और बड़ी खबर। दिल्ली में गुरुवार को एयर क्वालिटी गंभीर श्रेणी में पहुंच गई है। गुरुवार सुबह 6 बजे दिल्ली के 31 इलाकों में प्रदूषण बेहद खराब श्रेणी से गंभीर श्रेणी में पहुँच गया है। सबसे ज्यादा एयर क्वालिटी इंडेक्स 567 जहांगीरपुरी में दर्ज किया गया। वहीं वेबसाइट फ्लाइट ट्रेडर 24 के मुताबिक धुंध के चलते दिल्ली एयरपोर्ट पर 300 से ज्यादा फ्लाइट्स में देरी भी हुई, यानी कि प्रदूषण से पूरी दिल्ली धुआं धुआं हो रखी है। बहरहाल आगे बढ़ेंगे राजस्थान से, बहुत बड़ी खबर। राजस्थान की देवली उनियारा विधानसभा सीट पर बुधवार को उपचुनाव के दौरान थप्पड़ से बवाल मच गया। विधानसभा क्षेत्र के समरावता गांव में निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा ने पोलिंग बूथ पर एसडीएम अमित चौधरी को थप्पड़ मार दिया था। वहीं निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा मांगों को लेकर धरने पर भी बैठे रहे। ग्रामीणों ने वोटिंग का टाइम खत्म होने के बाद पोलिंग पार्टियों को भी रोकने की कोशिश की। पुलिस ने रात करीब 9:30 बजे नरेश मीणा को हिरासत में ले लिया। मीणा के समर्थकों को जैसे ही इसकी जानकारी मिली तो वह भड़क गए। सैकड़ों की संख्या में ग्रामीणों ने पुलिस जवानों को घेर लिया और नरेश मीणा को छुड़ाकर ले गए। पुलिस और ग्रामीणों के बीच जमकर झड़प शुरू हो गई, जमकर पथराव भी हुआ, गाड़ियों में आग लगाई गई, पुलिस ने भी लाठी चार्ज किया। भीड़ को तीतर बीतर करने के लिए आंसू गैस के गोले भी दागे गए। इधर राजस्थान में आरएएस अधिकारियों ने पेन डाउन हड़ताल की है। वहीं दूसरी ओर गुरुवार सुबह 9:30 बजे नरेश मीणा अचानक समरावता गांव पहुंचे और पुलिस पर मारपीट के आरोप लगाए। उसके बाद कल दोपहर 12 बजे नरेश मीणा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। हालांकि उनकी गिरफ्तारी के बाद उनके समर्थकों ने फिर से आगजनी और चक्का जाम कर दिया। नरेश मीणा के कई समर्थकों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। बताया जा रहा है कि नरेश मीणा के समर्थकों ने वाहनों में आग लगा दी। ग्रामीणों का आरोप है कि 50 से 60 वाहन फूंक दिए गए। आगे बढ़ते हैं बीकानेर से बड़ी खबर। जिला स्तरीय राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट में देश विदेश में विख्यात नमकीन ब्रांड बीकाजी ग्रुप के एमडी दीपक अग्रवाल ने भी शिरकत की थी। अग्रवाल ने समिट को संबोधित करते हुए कहा, इन्वेस्टमेंट की कोई कमी नहीं है, हर साल अच्छी प्लानिंग करते हैं और उसे क्रियान्वित भी करते हैं। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि आजकल किसी को बीकानेर लाते हैं तो थोड़ी बेइज्जती फील होती है। उनका यह भी कहना था कि पूरे देश में प्लास्टिक बैन है लेकिन बीकानेर में नहीं। साथ ही में दीपक अग्रवाल ने मंत्रियों की तरफ इशारा करते हुए कहा कि यहाँ की सड़कें ठीक नहीं है। आगे बढ़ते हैं एक और बड़ी खबर। जयपुर की पोस्ट कॉलोनी में लेपर्ड के मूवमेंट से हड़कंप मच गया, लोग डर के साए में रह रहे हैं। गुरुवार सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए निकल रहे दो लोगों ने अपनी गाड़ी में लेपर्ड का मूवमेंट कैप्चर किया है। इसके बाद स्थानीय लोगों की सूचना पर वन विभाग की टीमें पहुंची और सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं एक और बड़ी खबर। राजस्थान में सफाई कर्मचारी भर्ती को लेकर विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। वाल्मीकि समाज ने भर्ती नियमों में संशोधन की मांग को लेकर सरकार को अल्टीमेटम दे दिया है। वाल्मीकि समाज विकास संस्थान के अध्यक्ष दीपक डंडोरिया ने कहा है कि अगर सरकार ने भर्ती नियमों में संशोधन कर आवेदन की तारीख को आगे नहीं बढ़ाया तो पूरे राजस्थान में सफाई कर्मचारी हड़ताल पर चले जाएंगे, जिनमें सरकारी और प्राइवेट दोनों कर्मचारी शामिल होंगे। दीपक ने कहा कि सरकार ने सफाई कर्मचारी भर्ती में वाल्मीकि समाज के साथ धोखा किया है, इस धोखे को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा है कि वर्तमान में जो भी शर्तें आवेदन की प्रक्रिया में लागू की गई है उन्हें सिर्फ धांधली करके ही पूरा किया जा सकता है, ऐसे में महज कुछ लोग ही अब तक आवेदन प्रक्रिया में शामिल हो सके हैं। आगे बढ़ते हैं, यह खबर अलग है। एक जमाने में समाज में छुआछूत की वजह से कई जातियों में दूरियों की दीवारें खींची गई थी, लेकिन अब यह दीवारें टूट रही है, लोग जागरूक हो रहे हैं। बड़ी खबर बाड़मेर से है। नागड़ा में वाल्मीकि समाज की बेटी को राजपूत समाज ने कन्या दान कर सामाजिक समरसता का उदाहरण पेश किया।
है। गाजे बाजे के साथ नागौर से आई बारात का न केवल स्वागत किया बल्कि दूल्हे को घोड़ी पर बैठा कर भव्य बंदोली भी निकाली गई। गांव के राजपूत परिवार के सज्जन सिंह और उनकी पत्नी ने कन्यादान कर पूरी रस्में निभाई। आगे बढ़ते हैं एक और बड़ी खबर। राजस्थान का सबसे बड़ा पुष्कर मेला परवान पर है इस बार। खास बात यह है कि पुष्कर मेले में दुनिया की सबसे छोटी पुंगनूर नस्ल की देसी गाय भी आई है। इसका पालन सबसे ज्यादा दक्षिण भारत में होता है। दरअसल इस गाय की साइज इतनी छोटी होती है कि कोई भी उसे गोद में उठाकर आसानी से घूम सकता है। आपको याद होगा प्रधानमंत्री मोदी ने भी पुंगनूर नस्ल की देसी गाय के साथ एक वीडियो साझा किया था। अब यही छोटी गायें अंतर्राष्ट्रीय पुष्कर मेले की शोभा बनी हुई है। पुंगनूर नस्ल की छोटी गायों की कीमत 2 से 10 लाख रुपए बताई जा रही है। इनको देखने के लिए पुष्कर में भीड़ उमड़ रही है। आगे बढ़ते हैं एक और बड़ी खबर। रोडवेज बस की टक्कर से बाइक सवार 2 युवकों की मौत हो गई। आमने सामने की टक्कर के बाद युवक उछलकर सड़क पर गिर गए। दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। यह हादसा बीकानेर के नोखा गांव में गुरुवार दोपहर करीब 3:30 बजे का है। घटना के बाद आक्रोशित लोगों ने हाईवे को जाम कर दिया। वहीं इससे पहले नोखा के ही हिम्मतसर गांव में कार की टक्कर से किसान की मौत हो गई थी। आगे बढ़ते हैं एक और बड़ी खबर। रेलवे की ओर से हावड़ा बाड़मेर साप्ताहिक एक्सप्रेस रेल सेवा का जोधपुर बाड़मेर के मध्य संचालन समय में आंशिक परिवर्तन किया जा रहा है। हावड़ा बाड़मेर साप्ताहिक एक्सप्रेस रेल सेवा हावड़ा से 19 से हावड़ा से निर्धारित समय से प्रस्थान कर सुबह 6:30 बजे के स्थान पर परिवर्तन समय सुबह 7:45 बजे बाड़मेर स्टेशन पर आगमन करेगी। आगे बढ़ते हैं बड़ी खबर। सोने और चांदी की कीमतों में अब गिरावट का दौर जारी है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट गोल्ड का भाव 1521 रुपए गिरकर 73,739 रुपए पर आ गया। इससे पहले इसके दाम 75,260 रुपए प्रति 10 ग्राम था। चांदी की कीमत में भी 2644 रुपए की गिरावट देखी गई, जिसकी वजह से चांदी भी गिरकर 87,103 रुपए प्रति किलो हो गई। हालांकि आपको बता दूं, ये दिल्ली सराफा बाजार के भाव है। राजस्थान में हमेशा यहाँ से 2,500-2,500 रुपए सोना महंगा ही मिलता है। यानी कि दिल्ली सराफा बाजार और जयपुर सराफा बाजार के भाव में काफी ज्यादा अंतर दिखाई देता है। खैर आगे बढ़ेंगे मौसम से जुड़ी बड़ी खबर। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में 2-3 दिन पहले हुई हल्की बर्फबारी का असर अब जाकर राजस्थान में दिखने लगा है। राज्य में तापमान में गिरावट आई है। दिन रात में सर्दी बढ़ गई है। श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ के तो कई हिस्सों में घना कोहरा छाया रहता है, इससे विजिबिलिटी काफी कम रहती है। अब मौसम विभाग से बड़ी अपडेट यह है, फिलहाल प्रदेश भर का मौसम साफ रहेगा लेकिन राजस्थान में अगले सप्ताह से सर्दी तेज होने की संभावना है। आगे बढ़ते हैं एक और बहुत बड़ी खबर और आपके लिए बड़ी जानकारी। आपको बता दूं, देश के सबसे महंगे स्कूल मुंबई, दिल्ली और उत्तराखंड में है। कल बाल दिवस के मौके पर यह आंकड़े सामने आए हैं। दरअसल दिल्ली में देश का सबसे महंगा स्कूल है। इस स्कूल का नाम है अमेरिकन एबेंसी स्कूल। इसकी सालाना फीस करीब 30 लाख रुपए है। और मुंबई में सबसे महंगा स्कूल धीरू भाई अंबानी इंटरनेशनल स्कूल है। इसकी सालाना फीस करीब 20 लाख रुपए है। आपको बता दूं, इन स्कूलों में केवल फिल्म स्टार और उद्योगपति के बच्चे ही पढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं बड़ी खबर। किसान भाइयों के लगातार कमेंट आ रहे हैं कि सीएम किसान योजना की दूसरी किस्त का पैसा खाते में कब आएगा। हालांकि इसके बारे में इससे पहले वाले वीडियो में हमने बात कर ली है, फिर भी आपको बता दूं, अगले महीने दिसंबर में भजनलाल सरकार को पूरे 1 साल हो रहे हैं। ऐसे में भजनलाल सरकार 8 दिसंबर के आसपास सीएम किसान योजना की दूसरी किस्त किसानों के खातों में डाल सकती है। वहीं पीएम किसान योजना को लेकर भी बड़ी अपडेट ये है, 18वीं किस्त जारी होने के बाद अगले 4 महीने जनवरी में हो रहे हैं। इसीलिए पीएम किसान की 19वीं किस्त जनवरी में जारी होने की संभावना है, लेकिन सीएम किसान योजना की 500 रुपए की दूसरी किस्त राजस्थान के किसानों को अगले महीने मिल जाएगी। यही थी प्रदेश और देश की आज की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आप अपडेट रहे बड़ी और काम की खबरों से। धन्यवाद।